जहानाबाद कोऑपरेटिव बैंक परिसर में लोकसभा हिंदी फिल्म को लेकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर मोहम्मद सरफराज अहमद द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सुल्तान रजी, डॉक्टर अनवर, अजय विश्वकर्मा, मुकेश कुशवाहा असिस्टेंट डायरेक्टर सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर सरफराज अहमद ने बनने वाली हिंदी फिल्म लोकसभा के बारे में विस्तार से बताया। सरफराज अहमद ने बताया कि लोकसभा फिल्म की शूटिंग मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली एवं जहानाबाद में भी की जाएगी, जिसमें मुंबई के जाने माने कई कलाकार राहुल रॉय, पृथ्वी, भाग्यश्री, रजा मुराद, अली खान, सुफियान कबाडिया, सौरभ ठाकुर, शिवम वर्मा, सुरेंद्र ठाकुर, दिलीप भाटिया, नीलोफर सहित अन्य कलाकार जहानाबाद आएंगे और यहां लोकसभा फिल्म शूट की जाएगी। सरफराज अहमद ने बताया कि मैं इस मिट्टी से जुड़ा हुआ हूं, इस मिट्टी की खुशबू मुझे हमेशा खींच लाती है। मैं गुड़गांव में हजारों बच्चों को नृत्य एवं एक्टिंग की शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन जहानाबाद से मेरा भावनात्मक रिश्ता है। मैं यहां पैदा हुआ और यहीं से मैंने अपने जिंदगी के सफर की शुरुआत की। आज मैं जिस मुकाम पर हूं उसमें जहानाबाद के बुजुर्गों का, जहानाबाद के लोगों का बहुत बड़ा एहसान है, योगदान है। यही कारण है कि जब भी कोई मैं बड़ा काम करता हूं तो जहानाबाद का नाम सबसे पहले मेरे दिल में एवं जुबान पर आता है। साथ ही सरफराज अहमद ने आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 में जहानाबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की और कहा कि अगर जनता का समर्थन मुझे मिलता है तो निश्चित तौर पर मैं ये दिखा दूंगा कि नेता किसको कहते हैं। विकास, उन्नति, तरक्की की नई इबारत लिखने की कोशिश करूंगा। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़। मैं जहानाबाद का रहने वाला हूं, मेरा नाम सरफराज अहमद हुआ और मैं एक पिक्चर बना रहा हूं लोकसभा। इसमें बहुत सारे बॉलीवुड के कलाकार हैं, जैसे कि राहुल राय जो आसकी में है, उसके बाद पृथ्वी जो दिल का क्या कहते का हीरो है, भाग्यश्री जो मैंने प्यार किया के एक्ट्रेस है, और इसमें राजा मुराद है, अली खान है, उसके बाद सौरभ ठाकुर है, जो इसमें जो एक्टर है मेन उसका नाम है सुफियान कबाडिया, उसके अपोजिट में है जन्नत खान, उसके बाद एक एक्टर और है उसका नाम है सौरभ ठाकुर, उसकी अपोजिट में है रिया खान, इसी तरह से दीपक भाटिया, उसके बहुत सारे कलाकार इसमें हैं। प्रेरणा कहाँ से मिला इस फिल्म को बनाने के लिए आपको? मैं जहानाबाद अक्सर आते जाते रहता था तो मुझे एक स्टोरी की तलाश थी, मैंने यहाँ देखा, देखने के बाद मुझे एक स्टोरी मिला और भी अदर मतलब स्टेट में भी गया, वहाँ से मैंने स्टोरी लिया, वो सब मिला करके मुझे यहाँ से जहानाबाद से इसको प्रेरणा मिली मुझे, और इसीलिए मैं आज यहाँ पे जो मेरा जन्मभूमि है तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे शूटिंग स्टार्ट करूँ और कुछ बम्बे से कलाकार आए, आने के बाद कई जगह में यहाँ पे शूट होगा और उसके बस यही मेरा आज उद्देश्य था कि कम से कम एक बार पत्रकार भाइयों के साथ एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए। क्या दिखाएंगे आप लोकसभा में? ये तो एक राजनीतिक मूवी है जो 1947 से लेकर 2024 तक का चुनाव के बारे में दिखाया जाएगा। इसमें लव स्टोरी भी है, इसमें बहुत सारे मतलब चीज़ें हैं जो हम जनता को, पूरे हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान से अदर कंट्री को भी दिखाना चाहते हैं। राजनीति तो प्रकाश झा ने भी बनाया था, राजनीति पे ही, क्या उसी तरह की फिल्म है? हाँ, देखिए स्टोरी अलग अलग है, लेकिन कहने का मतलब कि राजनीतिक मूवी बहुत सारे बनी है, लेकिन ये राजनीतिक मूवी मतलब बहुत अलग तरीके से जहानाबाद पर आधारित है। ये पूरे हिंदुस्तान है, उसमें जहानाबाद भी ऐड है। अच्छा, मतलब शुरू हुआ बिहार से राजनीति। तो आप चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं लोकसभा? हाँ, बस अभी ये कि जहानाबाद का हूँ मैं, देखा कि अब यहाँ पे है बहुत सारे समस्या है, बहुत सारे यहाँ पे देखें, इसीलिए मुझे लगा नहीं अब यहाँ पे कुछ सच के लिए कुछ ऐसा किया जाए और जो भी यहाँ पे परेशानी हालात में जो लोग गुजर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे बातें हैं, जैसे कि यहाँ पे रोज़गार नहीं है, इस मुद्दा पे कोई बातें नहीं करते हैं, ना कोई नेता लोग कुछ करते हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं जीतने के बाद मैं ये सब कब करूँगा, जब मैं चुनाव लड़ूँगा, जब मैदान में आऊँगा, जब चुनाव लड़ूँगा तो उसके बाद जीतने के बाद मैं दिखाऊंगा कि हाँ। जैसे आपको लगता है कि आप चुनाव जीतेगा? इस जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का यहाँ राजनीतिक दल हैं लोग, देखिए कहने के मतलब है कि कोई को कोई तो शुरुआत हकीकत को तो दिखाना चाहिए ना, सच्चाई को दिखाना चाहिए ना, ऐसे जनता के हाथ में है और जनता जाग गई है। हमारे छोटे भाई डायरेक्टर सरफराज भाई जो जहानाबाद के ही रहने वाले हैं और इनके मेहनत और लगन से एक बड़ी बजट की फिल्म आप जो देख रहे हैं लोकसभा, ये लोकसभा बना रहे हैं जो है, काफ़ी खूबसूरत फिल्म है, जो राजनीतिक से पीड़ित है, जो एक साफ़ सुथरी छवि जो राजनेता को होना चाहिए
जो असल मुद्दा है विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस फिल्म में ये दिखाना चाहते हैं कि साफ़ सुथरी छवि और साफ़ सुथरे लोग भी जो है जो सांसद और विधायक होते हैं वो अपने जो है बेहतर काज को कर सकते हैं। इस ऐसी पहल के लिए सरफराज भाई के बारे में क्या कहें? तो सरफराज भाई हमारे छोटे भाई जो है ये इन्होंने जो है बहुत मेहनत और बहुत लगन करके जो है मुंबई से जो है जो बड़े बड़े आर्टिस्ट जो नामचीन आर्टिस्ट हैं उनको लेके फिल्म बना रहे हैं। इनकी गुड़गांव में काफ़ी बड़े ऑफिस है जो है जो सैकड़ों बच्चे को इन्होंने ट्रेनिंग दिया और आज वो मुंबई में जाकर जो है कामयाब है, कई फिल्मों में काम कर रहे हैं। तो सरफराज भाई इसी ज़मीन के रहने वाले हैं, छोटे भाई ही हमारे हैं। तो आज हम इनको जो है उत्साहित करने के लिए आए हैं, इनको जो है शाबाशी देने के लिए आए हैं, इनको प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं कि आप आगे बढ़े हमारे सरफराज भाई जो है, इसी तरह आप आगे और बढ़ते रहें जो है। हम लोग की तरफ से, जहानाबाद वासी की तरफ से इनको शुभकामना और जो है धन्यवाद।